जब जूनियर एनटीआर और रामचरण से पूछा गया कि जिस तरह से केजीएफ पार्ट टू बाहुबली पार्ट टू बनी है, क्या आने वाले समय में ये पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह से आरआरआर का भी पार्ट टू बन सकता है, जिस पर जवाब देते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि जिससे राजा मौली भी कुछ कह नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही में आरआरआर फिल्म ने ग्लोबली बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ का बिजनेस कर दिया है। इसी के चलते कल के दिन मुंबई में इस फिल्म की सक्सेस मीट रखी गई थी, जहाँ फिल्म के दो लीड एक्टर्स और डायरेक्टर एसएस राजा मौली भी मौजूद थे। एक जर्नलिस्ट ने तब दोनों एक्टर से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में हमें आरआरआर का पार्ट टू भी देखने मिलेगा, जिस पर जवाब देते हुए सबसे पहले रामचरण ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि ये बन सकता है। मुझे फिल्म से ज़्यादा अपने भाई राजा मौली के साथ में काम करने का मौका मिलेगा, इस बात को लेकर मैं चाहता हूँ कि पार्ट टू बने। उसके बाद एनटीआर जूनियर ने भी ये कह दिया कि मैं जिस जर्नलिस्ट से भी बात करता हूँ, मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल आता है कि आरआरआर फ्रेंचाइज बहुत बड़ी होने वाली है, जिसका मतलब है कि आरआरआर के पार्ट्स बनने ही चाहिए, जिस तरह से बाहुबली और केजीएफ के बन रहे हैं। पर आपको ये सवाल हमसे नहीं, फिल्म के डायरेक्टर राजा मौली से पूछना चाहिए। जिस पर राजा मौली ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, इतना प्यार मिल रहा है तो हमें भी लगता है कि फिल्म का पार्ट टू बनना चाहिए, पर अभी इस बारे में मैं कुछ सोच नहीं रहा। जितना प्यार मिल रहा है मैं उसको पहले एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बात की बात बाद में देखी जाएगी। इस बात से फैंस की उम्मीद बढ़ चुकी है कि आरआरआर का पार्ट टू बहुत जल्द सिनेमाघरों में देखने मिल सकता है, पर इस बात की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पर आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट से बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फ्राइडे फिल्म्स को।